नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। एक घंटे में पहला परिणाम आ गया। वार्ड एक में बसपा ने अपना खाता खोल लिया है। बसपा की मीना दिवाकर ने भाजपा की इंद्रवती को 1700 वोटों से हरा दिया है। वहीं वार्ड दो में और वार्ड 16 में भी बसपा ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मंडी समिति में मतगणना शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मतगणना के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और निष्पक्ष देखिए किस प्रकार मतगणना करने की जिलाधिकारी आगरा ने बात कही है। आपको बता दें कि मेयर पद के लिए भाजपा की हेमलता दिवाकर और बसपा की लता वाल्मीकि के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। दो चरण में देखिए किस प्रकार बसपा की लता वाल्मीकि 7000 वोटों से आगे दिखाई दे रही हैं और पिछली बार भाजपा के नवीन जैन ने बसपा के दिगंबर सिंह धाकरे को हराया था 2,11,000 वोटों से। भाजपा का दावा है इस बार भी बड़ी जीत दर्ज की जाएगी। वहीं इस बार बसपा देखिए किस प्रकार आगरा में इतिहास बदलने जा रही है। तो आप देखते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और हम दिखाएंगे आपको पल पल की खबरें। देखिए क्या बोले जिलाधिकारी और बसपा की प्रत्याशी ने किस प्रकार जीत दर्ज कराई है। मुझे उम्मीद पूरी थी बसपा से कि मैं मुझे जनता जिताएगी जरूर। आपने भाजपा को हराया है, बड़ी जीत दर्ज की है जी। 1769 से मुझे जीत हुई है भाजपा के पदाधिकारी को। किस तरह से काम करेंगे आप पार्षद? अब जो भी काम मुझे मिलेगा नगर निगम से, मैं सारा काम पब्लिक के लिए करूंगी। जनता मेरे साथ है, मैं जनता के संग काम करूंगी। देखिए मतगणना यहाँ पर जनपद आगरा में नगर निगम और शांतिपूर्ण तरीके से नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में और नगर पंचायत क्षेत्र में जहाँ पर ईवीएम्स हैं वहाँ ईवीएम्स की काउंटिंग और सिमिलरली जहाँ पर बैलेट बॉक्सेस हैं, बैलेट पेपर्स हैं, वहाँ बैलेट पेपर्स की काउंटिंग शुरू हो गई है। हमने यहाँ पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत मजिस्ट्रेट्स, एडीएम्स, विभिन्न क्षेत्रों में एडीएम्स, नगर पंचायत पे एक एडीएम, नगर पालिका परिषदों में एक एडीएम, नगर निगम में मेयर के लिए एक एडीएम और नगर निगम के पार्षदों के लिए एक एडीएम नियुक्त किए गए हैं जो कि कानून व्यवस्था की स्थिति देखेंगे। साथ ही साथ समकक्ष पुलिस अधिकारीगण भी तैनात किए गए हैं। ओवरऑल जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे आप लोगों के साथ शेयर करें।